हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि अपने YouTube चैनल को आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर आपने नया YouTube चैनल बनाया है और आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, सर्च लिस्ट पे आपका नाम नहीं आ रहा है, तो क्या करना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। तो सबसे पहले हमें अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा YouTube चैनल क्रोम ब्राउज़र पे ओपन है। आपको अपने YouTube चैनल के लोगो पे टच करना है। दोस्तों, योर चैनल वाले सेक्शन पे चले जाना है जो आपको पहले नंबर पे दिख रही होगी। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, डेस्कटॉप साइट जो आपको नज़र आ रही होगी इसे ऑन कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद कस्टमाइज चैनल मैनेज वीडियोस का ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो हमें कस्टमाइज चैनल पे चले जाना है। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल Y2 स्टूडियो ऐप में ओपन हो जाएगा। आप यहां से किसी भी प्रकार का सेटिंग अपने यूट्यूब पे कर सकते हैं। इस प्रकार आपको इंटरफेस खोल के नज़र आएगी, तो आप यहां से किसी भी प्रकार का सेटिंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं यहां पे किस किस प्रकार का सेटिंग आप कर सकते हो। सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे चले जाना है। उसके बाद यहां पे ऐड लिंक का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरा यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है। आप इसे डाल सकते हैं, ये आपके यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन पे आ जाएगा। किसी भी प्रकार का सोशल नेटवर्क का लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जीमेल भी डाल सकते हैं। दोस्तों, मेरा जीमेल अभी नहीं डाला हुआ है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐड लैंग्वेज का भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज पे वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया है हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। दोस्तों, आपको डन वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा अगर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। तो मैं कर चुका हूँ, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हैं, या आप अपने यूट्यूब चैनल पे डायरेक्टली जाके एडिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन वहाँ पर दे देते हैं। दोस्तों, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आए सेटिंग्स का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा नीचे इस प्रकार का, आप उस पर प्रेस करें। इसके बाद यह इंटरफेस आपको खुल के नज़र आएगी। जनरल चैनल अपलोड डिफ़ॉल्ट परमिशंस कम्युनिटी, तो आपको चैनल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, आप यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने इंडिया कर लिया है। और कीवर्ड्स यहाँ पे बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आपका जो भी यूट्यूब चैनल है वो तो नाम यहाँ पे डालना ही है, बाकी बात आप अपना कुछ भी नाम डाल सकते हैं जिससे सर्च लिस्ट पे आपका नाम आएगा। टैग्स बोला जाता है इसे, तो यहाँ पे मैं रांची पब्लिक, पब्लिक रांची, रांची भी लिख सकता हूँ। आप किसी भी प्रकार का यहाँ पे टैग्स लगा सकते हैं जो आपके सर्च लिस्ट पे आएगा। एडवांस सेटिंग पे चले जाए। दोस्तों, आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इसे मैं कैंसिल करता हूँ। फिर से मैं सेटिंग वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ। उसके बाद आपको
अपलोड डिफ़ॉल्ट्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें दोस्तों। आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, आपको एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज पे वीडियो बना रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसे रहने देंगे दोस्तों, ज़्यादा छिड़खानी इस पर नहीं करना है। तो वीडियो लैंग्वेज आप किस वीडियो पे बना रहे हैं, तो मैं हिंदी पे बना रहा हूँ, तो लैंग्वेज में सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्रकार के लैंग्वेज आपको नज़र आएंगे। तो मैं हिंदी पे बनाता हूँ, तो मुझे एच वाले पे चले जाना है। यहाँ पे सीरियल वाइज दिया हुआ होता है लैंग्वेज, हिंदी इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इसे भी सिलेक्ट कर ले दोस्तों। इसे भी मैं हिंदी डालता हूँ। उसके बाद आपको कैटेगरी नज़र आ रही होगी, कैटेगरी आप किस कैटेगरी पे वीडियो बना रहे हैं, तो उसे भी सिलेक्ट कर ले दोस्तों। कॉमेडी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म एंड सभी प्रकार के ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। आप जिस भी फील्ड पे वीडियो बना रहे हैं तो उसे सेलेक्ट करें। पीपल एंड ब्लॉग्स पे मैं बना रहा हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे सेव कर दें, यह हमारा सेव हो चुका है।